अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाजों के सामने ढेर हुआ कोलकाता का गेंदबाजी क्रम, तो आखिर कैसे धोनी की सेना के सामने बेबस नजर आई कोलकाता की पलटन। उनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और रोहित में से बेहतर कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 33वां मुकाबला कोलकाता के मैदान पर कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और नीतीश राणा का यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। जी हां दोस्तों, चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कोनवे मैदान पर आए और चेन्नई के फैंस को इन दोनों बल्लेबाजों से तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ने किसी को भी निराश नहीं किया। जी हां दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते इस कदर कोहराम मचाया जिसको देखकर नीतीश राणा की आंखें भी फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव और सामने थे ऋतुराज गायकवाड़ और उन्होंने उमेश को लगातार दो चौके ठोक डाले और उमेश के ओवर में 10 रन बटोर लिए और दोनों ही बल्लेबाज पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। चार ओवरों तक टीम का स्कोर 31 के पार पहुंच चुका था और पांचवा ओवर लेकर आए कुलवंत खेजरोलिया और सामने थे कोनवे और कोनवे ने एक छक्का एक चौका ठोककर ओवर में 13 रन बटोर लिए। और दोस्तों, आलम यह था कि 6 ओवरों तक टीम का स्कोर 60 तक पहुंच चुका था। चेन्नई के खेमे में खुशियों का माहौल था, ऋतुराज के साथ कोनवे जमकर कहर बरपा रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया सुरेश शर्मा ने। जी हां दोस्तों, पारी का सातवां ओवर लेकर आए सुरेश शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज को 35 के स्कोर पर चलता कर दिया। ऋतुराज की इस पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद रहाणे मैदान पर आए और रहाणे ने वहीं से पारी को शुरू किया जहां से गायकवाड़ छोड़कर गए थे और दूसरे छोर पर कोनवे गेंदबाजों को तहस नहस कर रहे थे और देखते ही देखते कोनवे ने 32 गेंदों पर अपना 50 भी पूरा कर लिया। हालांकि 56 के स्कोर पर चक्रवर्ती ने कोनवे को चलता कर दिया। कोनवे की इस पारी में 4 चौके और 3 आसमानी छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद शिवम दुबे मैदान पर आते हैं और कोलकाता यहां से चेन्नई पर शिकंजा कसना चाहते थे, पर रहाणे और दुबे के इरादे तो आज कुछ और ही थे। जी दोस्तों, रहाणे के साथ मिलकर शिवम दुबे ने कोलकाता के गेंदबाजों को तहस नहस करके रख दिया। आपको बता दें, दुबे ने मात्र 21 गेंदों पर 50 रनों की अतिशी पारी खेली। पारी का 15वां ओवर लेकर आए उमेश यादव और सामने थे दुबे। दुबे ने पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक डाले और फिर एक चौका ठोक कर 16 रन बटोर लिए। वहीं रहाणे भी जमकर कहर बरपा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने 17वें ओवर तक टीम का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया। फिर 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलवंत ने दुबे को 50 के स्कोर पर चलता कर दिया। दुबे की साथी सी पारी में 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनके बाद जडेजा मैदान पर आए, पर रहाणे का तूफान अभी बाकी था। यह दोस्तों, पारी का 17वां ओवर लेकर आई आंद्रे रसल और सामने थे रहाणे। रहाणे ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 17 रन बटोर लिए। दूसरे छोर पर जडेजा भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में कुलवंत ने जडेजा को 18 के स्कोर पर चलता कर दिया। फिर धोनी मैदान पर आए, पर वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन रहाणे ने मात्र 29 गेंदों पर 71 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके बदौलत चेन्नई ने 236 रनों का लक्ष्य कोलकाता के सामने रखा। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था और कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने नारायण के साथ जगदीशन मैदान पर आए और कोलकाता के फैंस को इन दोनों से तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और सबको लगा कि आज नारायण अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन आज चेन्नई के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी दोस्तों, पारी का पहला ओवर लेकर आए आकाश सिंह और सामने थे सुनील नारायण और आकाश सिंह ने ऐसी खतरनाक गेंद फेंकी जो नारायण के बल्ले को चीरते हुए विकेटों को ले उड़ी और 1 के स्कोर पर आकाश ने नारायण को चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देश पांडे और उन्होंने आतिश जगदीशन को चलता कर दिया। और अब दोस्तों, आलम यह था कि कोलकाता का स्कोर 2 ओवरों में 3 रनों पर 2 विकेट थे। कोलकाता के मैदान पर मातम सा छा गया था, लेकिन दूसरे छोर पर वेंकटेश अय्यर नीतीश राणा के साथ मिलकर पारी को संभाल रहे थे और 5 ओवरों तक कोलकाता का स्कोर 30 के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन करेगा? अपने नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।